हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैंने इंट्रो वीडियो शूट नहीं किया, जब मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया था सोचा था डायरेक्ट आपको तैयार होने के बाद सरप्राइज करूंगी। तो ये मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, ये मैंने आज साड़ी कैरी की और ये पहनी मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी नेकलेस पहना है और ये इयररिंग पहना है। और गोल्ड वाली चूड़ियां नहीं आज मैंने कैरी की है, आज ये वाली चूड़ियां कैरी की हूँ क्योंकि ये मेरी ननद ने मुझे सरगी में गिफ्ट दी थी। सो बहुत प्रिटी और बहुत प्यारा सा गिफ्ट था, तो आज मैंने ये कैरी किया। आप सबको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं जो है वो गिर गई थी दो दिन पहले, तो बहुत चोट आई हुई है पैर में, बहुत मुश्किल हो रहा था चलना फिरना काम करना और कपड़े कैरी करना। तो इसीलिए आज मैंने अपना लहंगा नहीं निकाला है और बहुत हल्की सी ज्वेलरी और हल्की सी साड़ी में अपने आप को जो है वो ड्रेसअप किया है। मैंने कैसे मनाया अपना करवा चौथ वो पूरे व्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं, और अब लोग देखने के बाद जरूर बताइएगा कि मेरी करवा चौथ की प्रिपरेशन और मेरी साड़ी कैसी लगी। ये है पूरी मेरी साड़ी इस तरह की, और इसमें जो है ना स्टोन वर्क हो रखा है नीचे, ये देखिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, पहले से ही लाइक कर दीजिए अगर आप लोग मेरे व्लॉग पसंद करते हैं तो। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग अपना प्यार देने में कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करती हूँ और आप सबको मालूम है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार कंसर्न और दीजिए मुझे, एक बार फिर से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आगे करवा चौथ में मैंने पूरा दिन क्या क्या किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन और रात हो गई है, रात में मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। इससे भी पहले एक दिन जो था उसमें मेरे एक हाथ में मेरी बेटी ने मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मेरे पैर में बहुत चोट आई थी, स्वेलिंग बहुत थी, तो मार्केट जाना, चप्पल पहनना और भीड़ में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो मेरी बेटी मेहंदी लगा लेती है, अच्छे से लगा लेती है, तो मैंने बोला कि बिटिया आप ही लगा दो, तो ये लगा रही हूँ मेरे मेहंदी। और दूसरे हाथ की मेहंदी तो डन होकर उसका कलर भी आ चुका है, तो मेहंदी मेरी फाइनली डन हो चुकी फ्रेंड्स, और अब भरवा रही हूँ पोर। और ये देखिए मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी जो इससे भी पहले एक रात को उन्होंने लगा दी थी, कलर बहुत बढ़िया आया है। इस हाथ की भी मेहंदी बहुत परफेक्ट लगी है, मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी मेहंदी। जब मन होता है बहुत महीन भरे भरे हाथ की लगवा लेती हूँ, और जब मन होता है तो इस तरह की। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है करवा चौथ की मॉर्निंग, और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, बज रहे हैं 7 o'clock, नहा धोकर मैं आ गई हूँ और सोचा कि जो है हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो कुछ तो जल्दी से बना दूँ तो खाली हाथ ना जाए, मतलब कुछ तो लंच उनके साथ होना चाहिए, पूरा दिन होता है गैस भूख लगाती है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने बॉयल कर लिए हैं आलू और ये काट लिए हैं देखिए, और हरी धनिया हरी मिर्च जीरा वगैरह सब रख लिया है, तो मतलब सिंपल सा फ्राई आलू और पूड़ी में बना दूंगी, क्योंकि भगवान का भोग भी निकालना होता है जो कुछ भी बनता है, तो सुबह सुबह इतनी जल्दी में इतना ही हो सकता है, तो फ्राई आलू और पूड़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर हस्बैंड को भेजने के बाद फिर दोबारा किचन क्लीन करके और फिर जो जो आगे हमारे यहाँ बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए बना लेते हैं फिलहाल आलू। तो सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें जीरा, ये देखिए हमारा तेल जो है वो बहुत चला है, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा जब हमारा चिटकने लगेगा तो हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, ये देखिए। और हरी मिर्च डालने के बाद मैं सबसे पहले मसाले नहीं डालती हूँ, और फिर डाल देती हूँ मैं इसमें आलू, और हल्का सा इनको फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इसमें मसाला जो है वो मैं ऐड करूँगी। अभी दूसरी सब्जी भी बनेंगे इसलिए मैंने थोड़े से आलू जल्दी से बॉयल कर लिए कि हस्बैंड का लंच तैयार हो जाए, उसके बाद फिर दिन भर तो आप बनाते रहो। और फ्रेंड्स, आलू को फ्राई करते समय देखिए मैं डालती हूँ उसमें जो है वो धनिया पीसी, और ये जीरा हमारा जो रायता मसाला होता है ना भुना जीरा वो डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार, और हरी मिर्च ऐड की इसलिए रेड चिली पाउडर जो है वो बस इतना ही डालना है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना तीखा और जितना नहीं खाते हैं। तो ये सारे मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद फिर धीमी धीमी आंच पे इनको हल्के से अच्छा अच्छा जो है वो फ्राई कर लूँगी, और फिर धीमी आंच पे इनको धीमे धीमे से फ्राई कर लूँगी। मसाला आप अपनी तादाद से जितना खाते हो उतना डाल लीजिए, हमारे यहाँ हल्का मसाला खाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा कम मसाला डालती हूँ। आलू हमारे अच्छे से ये देखिए ब्राउन हो चले हैं,
अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती डालकर अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, फ्लेम जो है वो कर देंगे बंद। और सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी का भोग, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाए बिना तो हस्बैंड का टिफ़िन पैक नहीं कर सकते। तो बना लेते हैं सबसे पहले पूड़ियाँ। तो ये देखिए बन रही है हमारी बढ़िया सी गोल्डन गोल्डन सी पूड़ियाँ। और आप व्रत हो, पूरा दिन का फास्ट हो, वैसे तो भूख नहीं लगी है अभी भी, लेकिन फिर भी आप सारा दिन फास्ट हो और बनाओ खाना। और मैं आ गई हूँ फाइनली भगवान जी के सामने थाली लेकर आज की। तो ये भगवान जी का भोग लगा रही हूँ, तुलसी की पत्ती डाल दी है, मीठा रख लिया है सोहन पापड़ी, और हमारे हैं बढ़िया से सुंदर से फ्राई आलू, टेस्टी टेस्टी, और बन गई हैं पूड़ियाँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये है मेरी दही बड़े की, दही तैयार हो चुकी है, और ये है दाल। तो मैं बनाऊँगी सबसे पहले दही बड़े, और ये बन रहे हैं मेरे बड़े। तो गोल्डन ब्राउन करना है और दही फेंट कर मैंने उसमें जीरा मसाला और जो है काला नमक वगैरह वो सब कुछ मिला लिया है। और दाल को मिक्सी में पीसती हूँ, बहुत महीन नहीं पीसती हूँ, हल्का हल्का सफेटती जाती हूँ नमक मिलाकर। और फिर मैं बड़े जो है वो कढ़ाई में सरसों के तेल में पकाती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये देखिए दही बड़े मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, और मसाला भी मैंने इसमें हल्का सा डाला है। जब लोग खाते हैं ना तो अपने अकॉर्डिंग ऊपर से जीरा मसाला वगैरह सब डाल लेते हैं। और इधर ये आलू मटर टमाटर की रसेदार सब्जी जो है वो मैंने बना ली है, साथ में लगा लिया ये फरे का आटा। जो फरे बनते हैं हमारे यहाँ वो बनते हैं नए चावल के आटे की, तो ये चावल का आटा ले लिया, इसमें हल्का सा नमक डाल लिया था, और हल्के गुनगुने पानी से सानना है। इसकी टिप्स ये है फ्रेंड्स कि इसको हल्के गुनगुने पानी से ही गूंथना है। और ये ले ली है मैंने दाल, फरे की, चने और उड़द की मिक्स दाल है, हींग दाल के पीसी है। हमारे यहाँ चने की दाल और उड़द की दाल मिक्स करके बनाते हैं। और अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से जो है वो कुटा हुआ मिर्चा मोटा और नमक वगैरह। और इधर कुकर में बना लिए हैं मैंने चावल, तो ये सारी प्रिपरेशन है। तो दही बड़े हमारे अभी तैयार हो चले हैं, और फरे का आटा कम्प्लीट है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम फरे। ये मिला लिया है मैंने फरे की दाल में कुटा हुआ मिर्चा मोटा और थोड़ा सा नमक। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं, हरी धनिया काट कर डाल सकते हैं, और जो है वो अदरक किसकर आप डाल सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, पर हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पसंद आता है, बस इसलिए मैं इतना ही मसाला इसमें ऐड करती हूँ। और उसके बाद में इन फरों को फ्राई करते समय हल्का सा मसाला ऊपर से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं जल्दी से फरे, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, फरे फरे बाकी हैं, तो इनको भी बना लेते हैं। उसके बाद फिर पूजा की सामग्री वगैरह लगा कर रखनी है, और 10 मिनट रेस्ट भी करना है, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो खड़े हो पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। किसी तरह मैं 10-10 मिनट बैठ कर ये काम निपटा रही हूँ। क्या करें फ्रेंड्स, त्यौहार करना तो पड़ता ही, चाहे आप थोड़ा थोड़ा कीजिए लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही। हालांकि हस्बैंड बोले थे कि मत बनाना, बाहर से मंगा लेंगे, लेकिन घर में भगवान जी बैठे, उनका भोग हमेशा से लगता है, तो जी नहीं मानता। और आपको मैं अपनी मेहंदी दिखा दूँ, ये देखिए मेरी मेहंदी। अभी मैंने बैंगल्स वगैरह नहीं चेंज करी हैं, क्योंकि बराबर पानी में हाथ है, बार बार धुलना पड़ता है, इसलिए मैंने बैंगल्स वगैरह नहीं चेंज करी हैं। ये राइट हैंड की मेहंदी है, और ये देखिए ये मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी है, बहुत ही प्यारी लगाई, और लगातार पानी में हाथ दे दे के ना, ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आल लगाकर बैठने का टाइम नहीं मिला बराबर, लगातार सुबह से घर की क्लीनिंग और कपड़े वाश करना, आप डेली के जो काम है वो तो करने ही पड़ते कोई भी त्यौहार हो। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से फरे, फिर मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ फरे इस तरह से बनाए जाते हैं, देखिए सारे फरे की छोटी छोटी लोइयाँ बेल कर रख लेते हैं, फिर उनके अंदर दाल वगैरह भर लेते हैं, कढ़ाई में बिछा दिए जाते हैं, फिर हल्का हल्का सा ये ऑयल लगाकर इनको हल्का हल्का सा अलट पलट के सेक लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बनते हैं फरे आज के दिन कुकर में, तो ये आपस में चिपके ना, इसलिए जो है उनको हल्का हल्का सा सेक लिया जाता है। अगर कच्चे आटे के बनाने हो तो फिर आप बड़ा भगोना रखकर और उसमें खौलता हुआ पानी रखिए, और उसके बाद फिर उसमें बना बना कर डालते जाइए, तो नहीं चिपकते हैं। तो इन जितने फरे बनाकर रखे उनको सबको एज इट इज सेक लूंगी, और उसके बाद फिर कुकर में गर्म पानी में इनको 2 सीटी लगा लूंगी। तो जैसे कुकर में चावल बनाते हैं वैसे 2 सीटी लगाकर बना लेंगे, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। तो मेरे घर में कुकर से निकले कच्चे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जब वो हल्के से सूख जाएंगे तो उन्हें पीसेस में कट करके और फिर जीरा मिर्चा और इन सब का तड़का लगा कर फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे चाय के साथ। ये देखिए ले लिए हैं मैंने सारे फरे, उसी तरह फ्राई कर लिए, और उसके बाद ले लिया है कुकर में फरों को, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये देखिए गर्म पानी।
ठंडा पानी नहीं डालना है और आपको उतना ही डालना है जितना जैसे आप चावल पकाते हो, पकाते समय रखते हो पानी, बस उतना ही डालना। पानी में नमक नहीं डालेंगे क्योंकि दाल में और फलों में नमक पड़ा हुआ है। और फिर कुकर के लगा देनी है लीड। तो चलिए लगा लेते हैं 2 सीटी। तो फ्रेंड्स ये बन गया है मेरा आज का खाना। ये बनी मेरी आलू मटर की रसेदार सब्जी, ये बना लिए दही बड़े, चावल बन गया है, पूड़ी बन गई है और ये बन गए हैं फरे, उबल गए इस तरह से। और पीस मीठा ले लिया मैंने सोहन पापड़ी। तो ये लग गया है भगवान का भोग। बाकी मीठे का भोग जो है वो भगवान का शाम को लगेगा, जब पूजा के लिए सारी मिठाई खोलूंगी ना तब भगवान का सारा भोग लगेगा। तुलसी पत्ती डाल दिए, सारा भोग डन हो चुका है और हमारे फरे इस तरह से पक चुके हैं। ये देखिए इन्हें मैं किसी थाली वगैरह में निकाल लूंगी जिससे ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे और जिसको ऐसे खाना होता है वो वैसे ही खा लेता है। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी खाने पर। और फिर जब थोड़े से सूख जाएंगे ना इनका मांड वगैरह, तो फिर जो है इनको कट करके और फिर वो लहसुन मिर्चा से इनको जो है फ्राई कर लूंगी चाय के साथ। ये देखिए मेरे इस वाले पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी फ्रेंड्स, अब सूजन थोड़ी कम हुई, बहुत ज़्यादा सूजा था, बहुत ही ज़्यादा पूरा ये पैर सूजा था, नसें आप देख सकते हैं बहुत ब्लैक एकदम हो गई थी, मैं गिर गई थी तो। और इस वाले पैर में भी ये यहाँ से पूरा रेड आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। आज बस किसी तरह पूजा कर पा रही हूँ बस, बहुत ज़्यादा बिल्कुल छूते नहीं बन रहा है। और फ्रेंड्स मैं ये जो पेंट वाला ब्रश आता है ना उससे कलर लगाती हूँ, बहुत बढ़िया लग जाता है। और अब बारी है तैयार होने की। तो ये चूड़ियों का सेट मैं अपने लिए लेकर आई थी, ये देखिए बहुत ही प्यारा सेट लगा था मुझे, लेकिन पहनी है मैंने वो चूड़ियाँ जो मेरी ननद ने मुझे सरगी में दी हैं। बहुत ही सुंदर रेड कलर की ये चूड़ियों के साथ, ये गोल्डन कलर की जो चूड़ियाँ हैं ना ये पहना है फ्रेंड्स मैंने अपना गोल्ड वाला सेट। और पहनी है छोटी वाली नथ पहनी है आज, बड़ी वाली नहीं पहनी है। पहनी है अपने इयर रिंग्स मैंने और ये पहनी है सुंदर सी रेड चूड़ियाँ और पहनी है बहुत ही प्यारी पर्पल कलर की साड़ी। चलिए चलते हैं पूजा करने। और अब आ गई हूँ मैं फाइनली पूजा की तैयारी करने। तो ये थाली लगा ली है मैंने, दीपक लगा लिया है और जो है सिंदूरदानी रख ली है, गौरा माता रख ली, आंसे बना ली है, हमारे यहाँ आंसे कटोरी में रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, बतासे रखे जाते हैं। और फाइनली ये मेरा करवा जो है सज गया है, मेरा करवा और गौरा माता का करवा। कच्चे चावल रख लिए कहानी सुनने के लिए, फूल माला रख ली है, घी का दीपक लगा लिया। और हमारे यहाँ ना ज़मीन पर बनता है फ्रेंड्स करवा के, जो अल्पना बनती है ना वो ज़मीन पर बनती है। और अब स्टार्ट कर दिए मैंने पूजा, पहले नहलाया धुलाया करवा को, गौर माता को, फिर फूल चढ़ाए, अच्छा चढ़ाया और अब फाइनली गौर माता को चढ़ा रही हूँ सिंदूर। और अब करूँगी मैं आरती गौर माता की भी और करवा की भी। और उसके बाद अब कहानियों का समय है। फिर पहुँच गए छत पर, चंद्रमा निकल आए थे बिल्कुल, तो उनके दर्शन किए, उनको अर्घ दिया और अपना करवा लेकर गई थी तो उनके साथ उनके फेरे ले रही थी। और फिर फाइनली हस्बैंड ने पानी पिलाकर आज का व्रत जो है वो खुलवाया। आई होप सो आप लोगों ने ब्लॉग को बहुत इंजॉय किया होगा, आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और तबीयत खराब में इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पा रही, इतना ही सूट कर पाई हूँ। लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्या क्या पसंद आया आपको मेरे ब्लॉग में। और रेसिपी वगैरह आप लोग क्या बनाते हैं, आप लोगों के घर में इस त्योहार में क्या क्या बनता है, और जो भी चीज पसंद आई हो तो आप कमेंट्स करिएगा, उसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।